हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल वर्ल्ड पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी कुछ ही मिनट पहले पटवारी का रिजल्ट आया, तो आप पटवारी का रिजल्ट किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं पहले आपको इसकी साइट के ऊपर ले जाकर दिखाता हूं कि रिजल्ट वहाँ से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और अगर वहाँ से नहीं निकलेगा तो अपन फिर अलग तरीके से रिजल्ट निकालेंगे। तो अब पहले अपन राजस्थान पटवारी की ऑफिशियल साइट RSMSSB पर जाएंगे। RSMSSB पर अपन पहले जाएंगे, देखेंगे कि चल रही है या नहीं चल रही है, उसके पश्चात अपन कोई अलग तरीका निकालेंगे जिससे कि वो चल सके। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस पे रिजल्ट्स पे क्लिक किया RSSB@rajasthangov.com पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले किस पे निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर इस पे रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, तो फिर अपन किसी अलग मेथड से रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा मैं ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे को आप कमेंट कर सकते हो कि आगे कट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो आप देख सकते हो कि अभी रिजल्ट नहीं निकल रहा है, आप देख सकते हो कि पेज नॉट वर्किंग आ रहा है अभी भी। तो अपन दोस्तों किसी और तरीके का देखते हैं कि भाई अपन और किस तरीके से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आपने जहाँ से अपन अपने फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रिस्टार्ट भी कर दिया लेकिन ये नहीं चल रहा। तो फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मैं पहले अभी देखूँगा कि इसमें अपन रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तब आपने जैसे पहले फॉर्म भरा होगा तो अपन पहले SSO पर जाएंगे, SSO पर अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कैसे रिजल्ट निकलेगा। तो आप पहले SSO पर जाइए, ऐसे सब लोड हो रहा है अभी। डाल के कैप्चा आप इसमें इंटर करोगे, जैसे ही आप इसमें कैप्चा इंटर करोगे तो आपके पश्चात आपको दिखाई देगा कि अगला इसका जो पोर्टल आएगा आप उस पर जाना है आपको। दोस्तों आप देख सकते हो कि इस साइड पे अभी भी ये नहीं चल रहा। मैं आपको उसको बार बार रीलोड करके दिखा रहा हूँ लेकिन नहीं चल रहा। लेकिन अभी अपन इस पर चले गए हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करके और लॉगिन पर लॉगिन हो जाना दोस्तों। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा लॉगिन होने में, और आपको डायरेक्ट ये पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा दोस्तों। आप देख सकते हो कि अभी भी ये है नहीं दिखा रहा दोस्तों, अभी भी इसमें नहीं दिखा रहा। मैं इसको बैक जाके वापस इस ऑफिशियल साइट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें एरर आ गया, एरर सजेशन में ऐसा। दोस्तों इस कारण होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है साइटें, बहुत ज़्यादा सर्वर चलने के कारण इसका सर्वर हिल जाता है दोस्तों। सर्वर हिल जाता है। तो चलिए अपन इसका अलग तरीका, अपन इसका अल्टरनेटिव निकाल लिया कि भाई आप रिजल्ट कैसे देख सकते हो इतना लोड होने के बावजूद भी। आप देख सकते हो दोस्तों कि मैं अभी इसमें यह अभी साइट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी दोस्तों, लेकिन ये जैसे इसके कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसमें अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि दिस द सर्वर इज करंटली अनअवेबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट ड्यू टू टेम्परेली ओवरलोडिंग और मेंटेन मांग रहा है। अभी ये मेंटेनेंस मांग रहा है ऑफ द सर्वर दोस्तों, सर्वर ही मेंटेन मांगने लग गया है देख लो। तो आप इसमें करके अभी तो आप देख सकते हो कि अभी आप या तो थोड़ा इंतज़ार करो इस साइड पर करने के लिए रिजल्ट निकालने के लिए, या फिर अगर आप अलग से रिजल्ट निकालना चाहते हो किसी दूसरी साइड से रिजल्ट निकालना चाहते हो दोस्तों, तो आपको SSO पर आपके लॉगिन हो जाना है। आपको मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि अभी ये टाइम ले रहा है, और दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप मेरा जो पोर्टल है वो चल गया है। तो अभी आपको इसमें ये रिक्वायरमेंट पोर्टल होगा, आप अगर ये आपको नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अदर ऑप्शन पे जाएंगे और आर ये लगाने पर आपका जो पहला पोर्टल आ जाएगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल एक है, रिक्वायरमेंट इसके दो है, तो आप पहले वन पे आ जाना है आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे, और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एक बार दोस्तों। इस पर भी लोड रहता है जिसके कारण दोस्तों ये भी थोड़ा धीरा चल रहा है, लेकिन ये चलती है साइट प्रॉपरली, चलती है प्रॉपरली। ये मेथड वर्क करेगा दोस्तों अगर आप इस वाली मेथड का पूरे तरीके से यूज़ करते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। देख सकते हो कि अभी भी आउट ऑफ मेंटेनेंस बता रही है दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाना है दोस्तों। देख सकते हो कि आप अभी ये रिडायरेक्ट हो रही है अभी भी।
ये मेथड अच्छे से वर्क करता है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है दोस्तों, आप बस मेरे साथ बने रहिए ऐसे वीडियो में। और आप देख सकते हैं कि जो पोर्टल है वो रिक्वायरमेंट होने लग गया है, रिलोड होने लग गया है। और ये देख सकते हो कि इसका जो ऑफिशियल जो डैशबोर्ड है दोस्तों वो आ गया है। आप इस यहाँ पे अपनी न्यू वेबसाइट देख सकते हो, और अभी ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी, तो ये जो रीट का हुआ था वो है, और एक ये जेईई एग्जाम है। तो आप इसमें आपको क्या करना है, मैं अभी आपको एक बहुत ही मेथड बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बता रहा हूँ आपको, उसको ये पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको माई रिक्वायरमेंट्स है, ये माई रिक्वायरमेंट आपको इस पर पहले क्लिक करना होगा दोस्तों। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये प्रॉपरली वर्क करता है दोस्तों। तो आप जैसे ही माई रिक्वायरमेंट पर जाते हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे कोई रिजल्ट का ऑप्शन नहीं दिखता दोस्तों। अब जैसे क्या किया आपने, जैसे होम पर थे आप ये जो मेन पोर्टल है आप यहाँ पर थे, आप ये जो मेन पोर्टल है आप दोस्तों यहाँ पे थे, आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे थे। और आपको क्या करना है, माई रिक्वायरमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करेंगे जैसे ही आप, क्योंकि आपको यहाँ पे रिजल्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिखा दे रहा है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट माई रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों कि आपको जो सभी भी एग्ज़ाम आपको यहाँ पे शो करती हैं, जैसे कि ये जो विलेज डेवलपर है, ये जो एसआई की एग्ज़ाम हुई थी अभी मल्टी टास्किंग की हुई थी, विद्या रसनाकर की जो ये आरपीएससी ने करवाई थी, और ये कि पटवारी रिडायरेक्ट है दोस्तों। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी व्यू रिजल्ट दिखा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्यू रिजल्ट दिखा रहा है दोस्तों। आपको आपको डायरेक्ट क्या करना है कि यहाँ तो पे दोस्तों क्लिक करना है एक बार। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहली बार ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों चलने में, भी आप देख सकते हो कि ये चल रहा है, लेकिन ये भी दिखाएगा आपको नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। आप जैसे इसको एक से दो बार प्रयास करोगे दोस्तों तो आपका रिजल्ट दिखने लग जाएगा दोस्तों, ये मेरे 100% गारंटी। आप जैसे ही इसको एक या दो बार ये प्रोसेस कंप्लीट करोगे, आपने वापस रिडायरेक्ट करना है, और जैसे ये आप प्रयास एक से दो बार प्रयास करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखने लग जाएगा दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे अप्लाइड रिक्वायरमेंट पे जाते हैं तो ये दोस्तों ये भी 444 आ गया, ये तो सर्वर के कुछ कंट्रोल की वजह से आ जाता है दोस्तों। ये भी देख सकते हो कि आप दोस्तों ये भी अभी चलने में बहुत टाइम लगाने लग गई है दोस्तों। तो आपको एक दो बार कंटिन्यू करना है दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये भी वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है, लेकिन आपको मैंने जो मेथड बताया है वो मेथड ज़रूर यूज़ करता, आप इसको एक से दो बार यूज़ कीजिए। ये दोस्तों मेरा रिक्वायरमेंट पोर्टल आ गया है। अभी आपको क्या करना है कि ऑल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन ये भी मेथड काम नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं इसको वापस लाऊंगा अभी, लेकिन ये काम करता है दोस्तों। आप इसमें अपना रिजल्ट निकाल सकते हो आसानी से। आपको एक से दो बार रिजल्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि जैसे ही सर्वर वहाँ से अपलोड कर दिया, सर्वर अपलोड करते ही दोस्तों यहाँ पे अपना रिजल्ट दिखने लग जाएगा आपको। और वरना फिर आप RSMSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप जाके अभी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा गया है उनके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जिनका रिजल्ट नहीं आया तो कृपया आप अपना जो मेहनत आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते रहिएगा। आपको किसी ने प्रकार का अगर कोई संदेह है, कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूं दोस्तों। कि आपको पता होगा अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।